हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं वो लोकेशन अभिषेक को पता नहीं है क्योंकि मैं उनको सरप्राइज देने वाली हूँ। यस, निकलना है अभी। चलो फिर जाते हैं। लोकेशन? लोकेशन मैं आपको बता दूंगी। जीपीएस तो लगाना पड़ेगा, तू गाड़ी चलाएगी? मैं देखूंगी वो। चलो ठीक है, फिर चले, बैग तो रेडी है, निकलते हैं। ओके, लेफ्ट राइट यही चालू है। तो लोकेशन मैंने ही डिसाइड किया, तो मैं ही डिसाइड करूंगी ना। तो देखते हैं, मेरे अंदाजे से ये नासिक रोड है और शायद इगतपुरी जा रहे हैं, फिर भी ये बोल नहीं रहे इगतपुरी। अरे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द महाराष्ट्र प्लेसेस। अभी हम पहुंचे नेचर लीप। नेचर लीप एक रिसोर्ट है और बेसिकली ये इगतपुरी से कुछ 22 किलोमीटर पे है। यहाँ पे आने के लिए भी हमें शायद 35-40 मिनट्स लगे। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू नेचर लीप रिसोर्ट इज अप्रोक्सीमेटली 145 किलोमीटर। रिसेप्शन डेस्क, ब्यूटीफुल गार्डन एरिया, ये मेरी मम्मी। ये ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, उससे पहले दिखाता हूँ ये रूम। ये रूम में एक बेड है बड़ा सा, एसी और अपना हमेशा की तरह लाइट्स, एक वार्डरोब। बड़ी सी बालकनी। City of mine, how I love, how I love. ये बाजू में भी एक मचान है और ये व्यू। हमने 10,000 पेड़ किया है 2 दिन के लिए और इसमें ऑल मील इंक्लूडेड है। एक फ्रिज और ये बुकिंग हमने डायरेक्ट होटल से कांटेक्ट करके की है। इसका फायदा ये हुआ कि हमें ऑनलाइन बुकिंग साइट से भी सस्ते में डील मिल गई। यहाँ से भी सुंदर सा नजारा रूम से ऊपर से, और ये ऊपर आने के लिए स्टेप्स, और ये है एक रूम जिसका सेलिंग देखोगे तो लाइक एक नॉर्मल PUC सेलिंग रहता है, वैसा सेलिंग है। और यहाँ पे फैन है बेसिकली, और समर के टाइम यहाँ पे हो सकता है गर्मी हो सकती है क्योंकि हम समर में आए हैं। और यहाँ पे 2 जन के सिटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है बेसिकली। दिस इज़ विंडो, अगर आपको मच्छर विच्छर से प्रॉब्लम है तो ये क्लोज कर सकते हो। तो ऐसा वेंटिलेशन तो बहुत है यहाँ पे, और जब बारिश रहेगी तो इट मे बी मोर अमेजिंग देन दिस टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट वेंटिलेशन, और मच्छर नहीं चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए, बस मज़ा ले लो भाई। तो एक बेसिकली फैमिली रूम है, मचान रूम बोलते हैं इसे। दिस इज़ गुड इनफ फॉर 4 पीपल फॉर फैमिली। For booking, you can check out contact details given in description box. I book a flight to try to figure where my mind's at. A spot where I don't... Oh my God! हाँ मतलब वैतागला म्हणजे मा हा चोच मारायला आलेला वाटतं ना, अटॅक करायला आला। पूरा बड़ा क्रिकेट कोर्ट है और वो बच्चे के लिए खेलने के लिए सामने, और उसके वो साइड स्विमिंग पूल, छोटा सा स्विमिंग पूल है, ठीक ठाक सा है। पानी मुझे इतना ये नहीं लगा, क्लियर नहीं लगा, बट छोटा स्विमिंग पूल है। आई डोंट नो इसका डेप्थ क्या, मैंने चेक नहीं किया अभी तक।
तो ये हिमा का सरप्राइज था, थैंक यू हिमा। Rack it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the green. Put this a chance. Enjoy. Fucking my post the same now. I've been humble. John kasa? Nice. Zabardast kelas ga tu? Pure tuja. Maja kada sa. और एक अच्छा खासा स्विमिंग पूल, मेरी हाइट देखोगे तो 5.11 है, तो एक आराम से किड्स एंजॉय कर सकते हैं। अरे अभी इतनी अली काय बात है, फर्स्ट टाइम मेरी माँ यूट्यूब पे आने वाली है। हाय मम्मी। ये बेसिकली रेस्टोरेंट काउंटर है, यहाँ पे ऊपर ब्रेकफास्ट मिलता है, जो भी आपका मील रहेगा प्लान रहेगा, लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो यहाँ पे सर्विंग होता है, और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको। फ्रेश ऑमलेट, पराठा, पाव, और कुछ आने वाला है? उपमा। अच्छा उपमा इधर, और ये है उपमा। तो ऑमलेट, पराठा, ब्रेड, उपमा, लाइक ऑलमोस्ट 4 वैरायटीज है। आपको बॉइल्ड एग चाहिए तो आप अंदर किचन में जाके इन्हें बोल सकते हो कि बॉइल्ड एग चाहिए, आपको बॉइल्ड एग भी मिलेंगे। यहाँ से नीचे उतरने के बाद 4 प्रीमियम रूम है जिसमें इंडिविजुअल बालकनी है, और ऊपर के साइड में ओपन टेरेस है सभी के लिए। ये रूम काफ़ी बड़े है, इसमें बेसिकली बाथटब है, ये बात बताना भूल गया मैं। ये नीचे के रूम जो है वो गार्डन फेसिंग रूम है बेसिकली, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी स्पेशियस है रूम। यहाँ से ओपन टेरेस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा सेकेंड दिन है नेचर लीफ रिसोर्ट में, और आज का आज तक का हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। कल से लेके आज तक, कल के लेके आज तक का फूड बहुत डिलीशियस था, उसमें वेज नॉन वेज ऐसे वैरायटी रखे थे। जैसे आज हम लोगों ने नाश्ता में अंडा खाया, आपको चाहिए तो आप बॉइल्ड एग ऑर्डर कर सकते हो। डिनर में भी एक वेज और नॉन वेज कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, तो फूड क्वालिटी डेफिनेटली डिलीशियस से थी। और दूसरी बात रहेगी रूम्स की, यहाँ पे बेसिकली 15 रूम्स है टोटल। 15 रूम मतलब ये 5 रूम है ना हमारे पीछे देख रहे हो 1+1, उसे मचान रूम बोलते हैं। ऊपर का रूम नॉन एसी है, नीचे एसी है, और ये 5 रूम होने के बाद नीचे आप जाओगे तब वहाँ पे 4 रूम्स है जो कि प्रीमियम रूम है, उसमें टब बात है, प्राइवेट बालकनी है, और ऊपर टेरेस है वो सबके लिए ओपन टेरेस है। फिर उसके नीचे जाओगे ना तो गार्डन व्यू है, गार्डन व्यू में भी 5 रूम है। तो मैंने नीचे की शूटिंग बाहर से ही लिया, अंदर नहीं गया क्योंकि रिसोर्ट बेसिकली फुल लग रहा है हमें। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। कल दोपहर को आए तो हम लोग को गर्म हो रहा था, इवनिंग तक गर्म ही हो रहा था, बट इवनिंग के बाद सडनली क्लाइमेट चेंज हो गया, और रात को तो इतना ठंडा लग रहा था हमको फैन करना बंद करना पड़ा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो 29 किलोमीटर है इगतपुरी से यहाँ पे आने के लिए, तो लगभग 1 घंटा आपको लगता है। इगतपुरी से लेफ्ट लेना पड़ता है, एकदम नज़दीक नहीं है ये। और यहाँ पे 2 डैम है, वैतरना और बावली। बावली डैम जो है वो घोटी के पास है, और वैतरना इधर ही 5-10 मिनट्स डिस्टेंस पे है।
और इधर और एक वाटरफॉल है, उसको जाने के लिए 15 to 20 minutes लगते हैं। वो बेसिकली वेतरनर जो डैम है उसका पानी लीक हुआ है, पानी लीक हुआ है तो उधर ऑटोमेटिकली वाटरफॉल बन गया है, तो वो तो हम देखने नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कीड़ से, क्योंकि हम दोनों को ही जाना पड़ेगा, होटल का आदमी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि खेती में से वो रास्ता जाता है। बट है अच्छा, बट अभी जब हम अकेले आएंगे दोनों तो वो ट्राई करेंगे, अभी नहीं कर रहे। और ये 12 months रहता है, हमेशा रहता है। हाँ मतलब 365 days रहता है, क्योंकि वो डैम का ही लीक पानी है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। होटल के स्टाफ ने बताया वो एक बार देखने जैसी जगह है, बट हम अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे उसे। तो गाइज और एक मैसेज देना है मुझे ये आपके मैनेजमेंट को, जैसे कि रूम अच्छे हैं बट उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। बाथरूम का लैच का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं हो रहा है, वो ओपन रह रहा है। ऊपर का जो मचान का रूम है उसका लॉच ख़राब है, अगर हमने डोर बंद किया तो नीचे वालों को बुलाना पड़ता है कि डोर ओपन करो, तो थोड़ी थोड़ी बात इरिटेशन होता है। जैसे कि बालकनी का भी प्रॉब्लम है, मॉस्किटो नेट वो भी ख़राब है, मतलब जाली फटी बट्टी पड़ी है, अगर आप उसको लगाते हो और ओपन रखते हो तो शायद मच्छर विच्छर आने के चांस है। फिलहाल मच्छर तो नहीं मिले, बट जब मच्छर का सीज़न रहेगा मच्छर आएंगे काटेंगे आपको, बोलेंगे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो ये है ना मैनेजमेंट को, ये कुछ चीज़ें है ना इस पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज़ मैनेजमेंट इस पर ध्यान कीजिए, बाकी ओवरऑल होटल आपका अच्छा, थोड़ा मेंटेनेंस कीजिए, अच्छा लगेगा सबको। अभी हम जा रहे हैं वेतरना डैम देखने के लिए, जैसे होटल से उतरोगे तो लेफ्ट लेना है, यू टर्न मार के स्ट्रेट जाना है। डैम जाते समय वाटर कैनल नजर आते हैं। ये है वेतरना डैम, बेसिकली यहाँ से एंट्रेंस चालू होता है, छोटा रास्ता है। और ये देखिए ना पीछे का लोकेशन देखो कितना मस्त है, और ये साइड है ना डैम है, तो हम वहाँ पे जाने वाले बेसिकली। यहाँ से भी जा सकते हैं बट थोड़ा व्यू ठीक से नहीं दिख रहा है, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। पीछे जो देख रहे हो वो वेतरना डैम है, और इसकी हाइट बेसिकली 41 मीटर है, और इसका कंस्ट्रक्शन 1950 में हुआ है, और इसका वाटर सप्लाई पालघर और मुंबई को जाता है। इधर मेरी मम्मी और मेरी दो लड़कियां बैठी है। हाय, बस यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर तुझे बोल रहा है कुछ? तो मम्मी जी मेरे साथ है, अभी मम्मी जी को पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा ये नेचर लिप रिसोर्ट में। तो मम्मी जी बताइए आपके पास आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तो समर का टाइम है, गर्मी का टाइम है, अभी बारिश के टाइम आना पसंद करोगे? बारिश के सीजन में तो बहुत अच्छा लगेगा, और भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली मम्मी का भी यही कहना था कि एक बार है ना बारिश में लेके आना, तो ट्राई करेंगे हम बारिश में वापिस आएंगे, है ना मम्मी? श्योर श्योर। और एक क्या मालूम है, एक्चुअली हम जब शूटिंग कर रहे हैं तो ये देखो ये येडी प्राउटिंग कर रही है तो थोड़ा प्रॉब्लम इनको भी देखना पड़ रहा है कि ये पीछे से पीछे मार रही है अपने और हम उस पे चल रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। डिनर तो बहुत अच्छा मिल रहा है हमें यहाँ पे, खाने की तो कोई कंप्लेंट नहीं। चिकन फिश चिकन फिश खा के मोटी होना ना मम्मा, हमको 2 kg बढ़ाना है यहाँ से। एक्चुअली देखो अगर पैसा कुछ खर्च करोगे तो वेट गेन भी तो होना चाहिए, तो वही करेंगे हम ये टाइम, है ना। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय गाइज।